हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा ये पार्टी लुक जो है मैंने प्रिपेयर कर लिया है, आप देख के मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जैसे मैंने ये कलर किया है उसको इस तरफ से थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके रखा है। तो आज मेरा जो बेसिक मीन्स जिस कलर के ऊपर मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है या जिसको ज़्यादा दिखाने की जो कोशिश की है और अप्लाई करने की कोशिश की है वो ब्लैक और स्काई ब्लू कलर है। तो ये मैंने लुक रिफाइन किया है लास्ट वन, आप देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पार्टी का लुक। पार्टी लुक में जाना होता है तो हम सब ज़्यादा ही केयर करते हैं, ज़्यादा ही देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये मॉइस्चराइजर क्रीम, उसके साथ ही मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको टेप कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर देना है चेहरे के ऊपर। हम देख सकते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है। अभी 2 मिनट के लिए हम इसको सेट होने देते हैं, उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा मॉइस्चराइजर क्रीम लिया है। उसके बाद अगेन से फिर से हम थोड़ा मॉइस्चराइजर क्रीम के साथ फाउंडेशन ले रहे हैं। दोनों को फिर से लगाया है क्योंकि पार्टी में जाना है तो हमें थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहिए अगर टचअप का टाइम ना मिले तो, इसलिए। अभी इसको 2 मिनट रखने के बाद हम फिर से उसे सेट कर रहे हैं कॉम्पैक्ट पाउडर से, कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। जब हम पार्टी में जा रहे थे तो थोड़ा समय निकाल कर मेकअप करना है ताकि हमें जल्दी ना हो मेकअप करने की। ये सब कुछ हो जाने के बाद अगर हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ पिंपल आ गया है, पिंपल की तकलीफ बहुत रहती है कहीं भी आ जाते हैं, तो अगर पिंपल आ गया है ऐसा लग रहा है तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा अलग से एक डोट जितना लगा के, पिंपल आता तो है फिर उसकी निशानी भी छोड़ दी जाता है, मैं कभी यहीं पर आया था, तो इसको अलग से ऐसे करके उसको हाइड कर देना है। उसके बाद कंसीलर ले रहे हैं, इसको सर्कल के आई सर्कल के नीचे, आई जिसको ब्लैक डार्क सर्कल हो वो ज़्यादा लगाए, जिसको कम हो वो कम लगाए। उसके बाद उसको ट्रायंगल शेप में ऐसे करना है। उसके बाद फोरहेड के ऊपर थोड़ा सा, नोज ब्रिज के ऊपर ऐसे, चिक पर, चिक की जो स्माइल करते हैं उधर आता है वहाँ पर, और यहाँ से ऐसे। अगर ये तरीका थोड़ा समझ में ना आ रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, सेट करना है इसको। उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे भी लगा लेती हूँ ताकि वो सेट होना शुरू हो जाए। आज मैंने ब्लैक कलर का ही प्रायोरिटी रखी है ड्रेस के साथ, तो मैं ये वाला ब्लैक कलर और स्काई ब्लू जैसा जो कलर है उन दोनों को वन बाय वन अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले हम ये अप्लाई कर रहे हैं इन बिटवीन डोर लगा के अंदर की तरफ। उसके बाद जो ये ब्लैक है उसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ लगा रही हूँ, ये जो हमारी क्रीज होती है उसके ऊपर।
तो मैं दूसरी तरफ भी लगा लेती हूँ, इन बिटवीन जो हमारे आईबॉल होता है उसके ऊपर लगा के थोड़ा अंदर की तरफ। अभी मैं इसके ऊपर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, वो भी ब्लैक कलर का है। उसके बाद जो हमारा ये चीक का है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। तो इसके साथ में ये तीन डिफरेंट लिपस्टिक है, जो ये दोनों तो सेट हैं। तो ये जो है एस ब्यूटी की, सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करूँगी। आप ये लगाएं तो इसे पहले अगर आपके पास लिप ग्लो ना हो तो भी चलता है। इसके ऊपर ये इसका एक और सेट है सेमी। उसके बाद ये तीसरी जो है उसको मैं सिर्फ कॉर्नर पे लगाऊंगी, आउट कॉर्नर पर। तो इस तरह से मेकअप तैयार किया जा रहा है, हो रहा है कि मेकअप सेट हो जाने के बाद थोड़ी हेयर स्टाइल भी होता है। तो फ्रेंड्स, यही है मेरा आज का फाइनल लुक। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ कुछ नए वीडियो लेकर।